बीते 22 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव द्वारा 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के भी नेता शहनवाज हुसैन समेत राजद के तमाम जो नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। उस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुर्खियों में रहे, इसलिए कि एक लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पहुंचे थे दावते इफ्तार पार्टी में। हालांकि वो कोई बड़ी बात नहीं थी मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन जो तस्वीर सामने निकल के आई, काफ़ी मुस्कुराते खुश मिजाज अंदाज में नीतीश कुमार 10 सर्कुलर प्रवेश करते हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में लगातार भूचाल मच गया था। अब देखिए, अब जनता दल यू की तरफ से भी आगामी 28 तारीख को दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें लालू परिवार बात कर ली जाए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, बात कर ली जाए राबड़ी देवी की, तेज प्रताप तेजस्वी यादव की, जगदानंद सिंह समेत तमाम दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है इस दावते इफ्तार पार्टी में, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। इससे पहले अगर बात कर ली जाए मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में जब दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन उसमें बीजेपी और जेडीयू के ही लोग थे, आरजेडी या लालू परिवार से कोई भी चेहरा उसमें नहीं था। लेकिन राबड़ी देवी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, उसमें नीतीश कुमार भी पहुंचे, बीजेपी के शहनवाज हुसैन भी पहुंचे। अब जनता दल यू ने भी कार्यक्रम का जो है वो तैयार फिक्स कर लिया है, तारीख आगामी 28 तारीख को जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम परवेज के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो उसमें तमाम दलों के नेताओं को निमंत्रण भेज दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ही मौजूद रहेंगे और उस दावते इफ्तार पार्टी के लिए लालू परिवार के तमाम सदस्यों को भी निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें राजद सुप्रीमो भी हैं और राबड़ी देवी भी हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं और तेजस्वी यादव भी हैं, जगदानंद सिंह भी हैं, आरजेडी के तमाम वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ ही साथ तमाम दलों के नेता उस दावते इफ्तार पार्टी में शरीक करेंगे उस पार्टी। और ख़ास बात कि सलीम परवेज ने जो बातें कही है लालू प्रसाद यादव को लेकर, उन्होंने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव उस पार्टी में आते हैं तो पार्टी में चार चांद लग जाएगा। जिस प्रकार से चार चांद राजद के दावते इफ्तार पार्टी में लगा था, वैसे ही चूंकि वहां मुख्यमंत्री गए थे और यहां लालू प्रसाद यादव आ जाते हैं तो यहां भी चार चांद लग जाएगा। सलीम परवेज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने आयोजन जो है वो आयोजित किया है, इस कार्यक्रम में तमाम दलों के नेता होंगे और ख़ास तौर पे सुर्खियों में रहेगी लालू परिवार। लालू परिवार के तमाम सदस्यों को भी निमंत्रण भेजा गया है और उम्मीद की जा रही है कि इस दावते इफ्तार पार्टी में लालू परिवार के सभी लोग जिन्हें निमंत्रण गया है वो लोग इस पार्टी में आएंगे। साथ ही साथ बिहार की सियासत के तमाम दलों के नेता भी इस पार्टी में होंगे, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। तो सियासत के मद्देनजर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से सुर्खियों में रहा था बीते 22 तारीख का दिन जब नीतीश कुमार उस इफ्तार पार्टी में पहुंचे, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की बात की जाए, सबकी नज़र उस पार्टी में थी जब नीतीश कुमार पैदल चलकर एक अन्य मार्ग से पैदल चलकर राबड़ी आवास पहुँचते हैं। तकरीबन 5 साल बाद जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस वक्त दावते इफ्तार पार्टी का जब आयोजन हुआ था उसी वक्त अंतिम बार नीतीश कुमार 10 नंबर पहुंचे थे। उसके बाद एक लंबा समय, चूंकि उसके बाद भी दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, एक लंबे समय बाद नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे, जिसको लेकर अब तक जो है सुर्खियों में है नीतीश कुमार। अब देखिए, अब जेडीयू भी इफ्तार पार्टी का आयोजन की है जिसमें लालू परिवार और खासतौर पर लालू प्रसाद यादव पहुँच जाते हैं तो सलीम परवेज के अनुसार उस पार्टी में चार चांद लग जाएगा। फिलहाल उस तस्वीर के लिए इंतजार कीजिए जब तमाम दलों के नेता पहुंचेंगे, जिसमें लालू परिवार के लोग भी होंगे। हालांकि निमंत्रण गया है तो आएंगे भी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। इसको अभी तय देख लें, बिहार नमस्कार।